ग्रेशॉप्स लो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे ग्रेशॉप्स लो हम पहले देखेंगे फोर बार काइनेमेटिक चेन क्या है यानि कि यह फोर बार काइनेमेटिक चेन इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ प्लेन काइनेमेटिक चेन फोर बार काइनेमेटिक चेन इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ प्लेन काइनेमेटिक चेन इट कंसिस्ट ऑफ फोर रिजड लिंक्स कनेक्टेड बाय फोर पिन जॉइंट्स टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल एज अ शॉन यानी कि इसमें फोर रिजड लिंक्स कनेक्टेड है इससे चार पिन से एक दो तीन चार यानी इट कंसिस्ट ऑफ फोर रिजड लिंक्स कनेक्टेड बाय फोर पिन जॉइंट टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज बनाता है देखते हैं आप ए बी तु बी तु सी डी ए यानी क्वाड्रिलेटरल ओके लेट्स स्टार्ट फॉर फोर बार चेन लेट कामेटिक लिंक वन हैविंग लेंथ एल वन विच इज फिक्स दिस इज अ फिक्स लेंथ द लिंक टू हैविंग लेंथ एल टू इज अ कॉल्ड क्रेंक एल टू

ये लिंक है सी टू डी कहेंगे लीवर और रॉकर लिंक फोर है कॉलर लीवर और रॉकर यानी लिंक वन जो फिक्स है एल वन लिंक टू एल टू जिसे कहेंगे क्रैंक लिंक थ्री कपलर लिंक फोर लीवर यानी एल वन एल टू एल थ्री एल फोर फोर बार काइनेमेटिक चेन ओके फ्रेंड अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इन अ फोरबार मेकेनिज्म इफ अ नो लिंक मेक अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानि कि फोरबार मेकेनिज्म में एक लिंक यानी कोई लिंक जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन नहीं है तो देन इट इज नॉट यूजफुल इन एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानि कि प्रैक्टिकल या एप्लीकेशन में यूजफुल नहीं है यानी कि वन ऑफ द लिंक मस्ट बी द रिवॉल्विंग लिंक विच इज अ ड्रीवन बाय मोटर यानी कि एक लिंक तो कंप्लेट तरीके से रिवॉल्विंग होना ही चाहिए यानि कोई एक लिंक आप समझ रहे हो गे कोई एक लिंक जो मोटर द्वारा यानि की वो खुद ही रिवॉल्विंग यानी कि कंप्लेट रिवॉल्विंग होना चाहिए विच इज अ ड्रिवन बाय मोटर यानी कि मोटर से रिवॉल्विंग होना चाहिए फोर बार मेकेजम इफ नो लिंक मेक अ कम्प्लीट रिवॉल्यूशन फोर बार में ये कोई लिंक अगर कम्प्लीट रिवॉल्विंग नहीं है तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए नहीं जाना जाएगा और वन ऑफ द लिंक मस्ट बी द रिवॉल्विंग लिंक यानी एक लिंक तो कंप्लीट रिवॉल्विंग होना ही चाहिए और वो मोटर द्वारा संचालित होना चाहिए विच इज अस ओके ग्रेस स्लो से क्या टेस्ट होता है वो देखते हैं तो इन ऑर्डर टू तो टेस्ट वेदर एनी लिंक कैन मेक अ कम्प्लीट रोटेशन और नॉट इट कैन बी टेस्टेड अकॉर्डिंग टू तो ग्रेसॉप स्लो यानी एनी लिंक कैन मेक अ रोटे कम्प्लीट रोटेशन यानी कोई लिंक कम्प्लीट रोटेस्ट कर रही है कि नहीं वो टेस्ट हो के ग्रेशॉप्स लो के अकॉर्डिंग टेस्ट होता है यानी कि ग्रेशॉप्स लो के अकॉर्डिंग टेस्ट कर सकते हैं कि कोई लिंक कंप्लीट रोटेशन कर सकती है कि नहीं ओके अभी हम ग्रेशॉप्स लो देखते हैं ग्रेशॉप्स लो स्टेट डेट फॉर अ प्लानर फोर बार मैकेनिज्म द सम ऑफ द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक शुड नॉट बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू अदर लिंक्स फ देअर इज टू बी अ कंटिन्यूस रिलेटिव मोशन बिटवीन दम यानी कि ग्रेसॉप स्लो के अनुसार प्लेनेट फोबा मैकेजम के लिए समेस्ट एंड लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट एस एल टू एंड लॉन्गेस्ट एल थ्री का सम यानी एल टू प्लस एल थ्री का सम और उसके बीच की कंटिन्यूड रिलेटिव मोशन है उसका सम एनी अदर लिंक एनी अदर टू लिंक यानी एल वन एल फोर एनी अदर टू लिंक उसका सम से ज्यादा होना नहीं चाहिए यानी कि एल टू प्लस एल थ्री लेस और इक्वल एल वन प्लस एल फोर एल टू प्लस एल थ्री शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट Shortest longest L four. Yani shortest link L two longest link L three. Less or equal L one plus L four. This is a shop's low. Okay. अभी हम देखते हैं कि यह कंडीशन अगर सेटिस्फैक्शन है या नहीं है नहीं है तो इसको क्या कहा जाएगा इफ अ प्रीवियस कंडीशन इज अ नॉट सेटिस्फाइड देन नो लिंक विल मेक अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन रिलेटिव टू अनदर लिंक एंड सच अ फोर बार मेकेनिजम इज कॉल्ड एज अ नॉन ग्रेसोफियन फोर बार चेन्ज यानी यदि प्रीवियस कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो एनी लिंक किसी कोई लिंक से रिलेटिव कंप्लीट रिवॉल्यूशन नहीं करेगा और इस तरह के फोरबार चेन मिकेनिज्म को नॉन ग्रेसोफियन फोरबार चेन कहा जाता है मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए आगे वाली सब कंडीशन हमने देखी वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए तो ही वो ग्रैशोपियन लो कहा जाएगा नहीं तो इट इज अ नॉट ऑफ इट इज अ नॉन ग्रेसोफियन लो यानी कि नॉन ग्रेसोफियन फोर बार चेन कहा जाएगा ओके